أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا अवलन तमाम किस्म की तारीफ़ात हमदो सना असमत बड़ाई व किब्रियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्शो समा के लिए लायक और सेबा है, बादहू दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अंबियाए किराम और रुसलानी इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सैयद अलअव्वलीन वल आखरीन इमाम अल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन इमाम थक्लतैन व इमाम अल क़िबलतैन व इमाम अल हरमैन व इमामना फिद दुनिया व इमामना फिल आखिरा व इमामना फिल जन्नत जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام, ہم اور آپ جانتے ہیں कि आजकल इन दिनों में पूरी दुनिया से हुज्जाजे किराम अल्लाह के मेहमान ये अपने अपने मुल्क से हज के लिए रवा होने वाले हैं या फिर रवा हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी नहीं गए लेकिन जाने वाले हैं। तो ये जो हज है ये इस्लाम के पांच अरकान में से एक अजीम रुकन है, और इस हज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों पर फ़र्ज करार दिया है जिनके पास माल व दौलत हो, जिनके पास ताकत हो। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह ने उन लोगों पर हज फ़र्ज करार दिया है जो लोग वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हो। बड़े ही खुशनसीब है वो लोग जो इस साल हज करने जा रहे हैं, और वो लोग भी खुशनसीब हैं जो हज कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको भी ये हज और उमरा करना नसीब करे, आमीन। मेरे दोस्तों, हज बहुत अजीम इबादत है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। हज की फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि जब एक इंसान हज कर लेता है और अगर उसका हज कबूल हो गया तो वो इंसान अल्लाह के घर से ऐसे ही लौटता है गुनाहों से पाक व साफ हो करके, जैसे कि एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। जिस तरह से बच्चे के नामे आमाल में कुछ गुनाह नहीं होता है, वैसे ही जो इंसान हज करके आता है उसके नाम आमाल से सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। लेकिन शर्त है कि उस इंसान का हज कबूल हुआ, उसने हलाल पैसे से हज किया हो। ये नहीं कि हराम पैसे से हज कर लिया तो वो इंसान भी बच्चे की तरह हो गया, नहीं। हज की फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है कि अगर हज कबूल हो जाए तो इसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत। इसी तरह से एक दूसरी रवायत के अंदर हज की फजीलत का जिक्र करते हुए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम हज और उमरा मुसलसल करते रहा करो, बार बार हज और उमरा करते रहा करो, इसलिए कि ये हज और उमरा ये दोनों इबादतें एक ऐसी इबादतें हैं जो एक इंसान के गुनाहों को और एक इंसान की गरीबी और फ़कीरी और मोहताजगी को ये दूर कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अगर कोई इंसान अपने कारोबार को लेकर के परेशान है तो वो इंसान सीधा टिकट निकाले और उमरा को जाए, हज को जाए। ये गरीबी और फ़कीरी को दूर करने वाली इबादतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हज और उमरा
एक ऐसी इबादतें हैं जो गरीबी, फ़कीरी और मोहताजगी और गुनाहों को ऐसे ही ख़त्म कर देती हैं जिस तरह से आग की भट्टी लोहे के मैल और कुचेल और जंग को जला करके ख़त्म कर देती है। अब लोहे के ऊपर मैल और कुचेल है, जंग लगा हुआ है छुरी के ऊपर, अगर आप आग की भट्टी में रख देंगे तो बिल्कुल तरोताज़ा और नया हो जाता है। वैसे ही एक इंसान के गुनाह और गरीबी को यह हज और उमरा ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये हुक्म देते हुए फरमाया कि लोगों, अगर तुम्हारा इरादा हज करने का है या फिर उमरा करने का है, सुन लीजिए, यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह ने आपको माल और दौलत से नवाजा है और आपका इरादा है हज करने का, तो ज़रा यह हदीस सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अगर तुम्हारा इरादा हज करने का है तो फौरन हज कर लो, क्या पता कि तुम में से किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, या उसे बीमारी लायक हो जाए, या फिर उसकी सवारी या कोई चीज़ गुम हो जाए। इंसान इरादा किया हज करने का, पैसे भी रखा है, मालूम यह हुआ कि इंसान बीमार पड़ गया, अभी आगे साल आया नहीं कि इंसान बीमार पड़ करके मर गया, क्या फ़ायदा हुआ? ज़्यादा लंबी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए हज करने के ताल्लुक से। समाज और माशरे के अंदर लोगों का ये तसव्वुर है कि बुढ़ापे में हज करना, बेटे की शादी कर ले तब हज करना, बेटी की शादी कर ले तब हज करना, सारी चीज़ों से जब हम फारिग हो जाए तब जा कर के बुढ़ापे में हज करना। मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूँ, जो लोग हज को जा चुके हैं आप उनसे पूछिए, जो लोग उमरा कर चुके हैं आप उनसे पूछिए, वो लोग जानते क्या कहते हैं कि मौलाना वो जगह बुढ़ापे में जाने की नहीं है, वो जगह बुढ़ापे में जाने की नहीं है, वो जवानी में जाने की जगह है। इसलिए कि अरकान अदा करने पड़ते हैं ना। इंसान बुढ़ापे में तो ऐसे ही कमज़ोर होता है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती है, इंसान लगड़ते कुर्सी पर बैठ करके अरकान अदा करता है रो लेते हुए। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपकी ख्वाहिश है तो बेटी के शादी का इंतज़ार ना करो, बेटे के शादी का इंतज़ार ना करो, घर के बनाने का इंतज़ार ना करो, बल्कि फौरन हज कर लो। ये जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है। और सुन लीजिए, जो लोग हज नहीं करते हैं ताकत रखने के बावजूद, ऐसे लोग बहुत बड़े मुजरिम हैं। अगर कोई इंसान हज का इनकार करे तब तो ऐसा इंसान इस्लाम से ही खारिज है, यानी कि मालदार है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो इंसान हज का इनकार कर रहा, नहीं नहीं मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, मैं हज को नहीं मानता, तो ऐसा इंसान मुसलमान ही नहीं। लेकिन कोई मुसलमान है, अल्लाह ने ताकत दिया है, लेकिन सुस्ती और काहली से ऐसा इंसान हज नहीं कर रहा है, तो जानते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की ये असर है कि ऐसा इंसान जो ताकत रखने के बावजूद हज नहीं करता है, ऐसे इंसान के लिए बराबर है कि ऐसा इंसान यहूदी होकर के मरे या फिर ईसाई होकर के मरे। अल्लाह की पनाह। देखा कितना सख्त जुमला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था। और एक असर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिसकी सनद को हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरा जी ये चाहता है, मेरा ये दिल करता है कि मैं इस्लामी ममलिकत में जहाँ तक मेरी हुकूमतें हैं वहाँ पर मैं लोगों को भेजूँ, अपना नुमाइंदा बना करके भेजूँ, और मैं चेक करने लगाऊँ कि किसके पास माल है और वो इंसान हज नहीं कर रहा है, और अगर मुझे मालूम हो जाए, मुझे इसकी खबर लग जाए, तो मैं उनके ऊपर ताकत रखने के बावजूद हज ना करने की वजह से टैक्स लगा दूँ, जिजिया लगा दूँ। क्यों? इसलिए कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। अल्लाह के पनाह। देखा सुना ये कौन कह रहे हैं? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर मेरा इरादा ये है कि मैं टैक्स लगा दूँ, जिजिया लगा दूँ, इसलिए कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। इसलिए अगर आपके पास ताकत है तो पहली फुर्सत में आप हज कर लें। मेरे दोस्तों, ये जो तमहीदी बातें मैंने कही है, दरअसल हमारे एक मौजू का बहुत बड़ा हिस्सा है। कौन दुनिया का ऐसा मुसलमान होगा जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करना नहीं चाहता होगा?
हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है मरने से पहले पहले कम से कम एक मरतबा अल्लाह के घर का दीदार कर ले, उसकी ज़ियारत कर ले। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वह हज कर ले, उम्रा कर ले। लेकिन आजकल हज और उम्रा सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। हज करने के लिए आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी एक आदमी, कम से कम आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ टिकट वगैरह। और मेरे दोस्तों जानते हैं ये हज और उम्रा कोई महंगा नहीं है, एजेंट लोगों ने महंगा कर दिया है इसे, एजेंट लोगों ने इसे महंगा कर दिया है। ये लोग जो है मुसलमानों के दीनी जज्बात से खेलते हैं और जानते हैं कि भाई जो पैसा वाला होगा वो ज़रूर भी ज़रूर हज करेगा, चाहे हम 5 लाख रखेंगे तब भी, 6 लाख रखेंगे तब भी, इसलिए वो जानबूझ करके इतना महंगा कर देते हैं। और हुकूमतें भी जो एयरलाइंस वाले होते हैं ये हज के मौसम में टिकट वगैरह भी जानबूझ करके महंगा कर देते हैं, वो जानते हैं कि मुसलमान ये ज़रूर भी ज़रूर हज करेंगे। लिहाजा दीनी जज्बात का फ़ायदा उठा करके हज और उम्रा को महंगा कर दिया है। और ऐसे लोग भी हैं, सुन लीजिए, समाज और माशरे के अंदर जो हज और उम्रा के नाम पर ठगते हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहिए। ऐलान निकालते हैं, इश्तिहार निकालते हैं कि 10,000 में उम्रा, 20,000 में उम्रा, लोगों से पैसा भी इकट्ठा कर लेते, उसके बाद एक महीना दो महीना के बाद 9, 2, 11 हो जाते रफू चक्कर। ऐसे हमारे शहर में भी एक आदमी आया था, बहुत सारे लोगों को लालच दिलाया कि 10,000 में मैं उम्रा कराता हूँ, तुम जो है 2 महीना में 3 मरतबा 3 महीना में 1 मरतबा पैसा बनो। बहुत सारे लोगों ने बन लिया लालच में आगे। दीनी जज्बा देखिए कैसे ईमान का मजाक उड़ाते हैं, दीनी जज्बा से कैसे खिलवाड़ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया, लेके वो इंसान भाग गया, आज तक आता पता नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो आप होशियार रहिए। ऐसे ठगों से जो हज और उम्रा के नाम पर लोगों को ठगते हैं, ऐसे लोगों से भी होशियार रहिए। हज तो करना ही है, अगर अल्लाह ने ताकत दिया है तो पहली फुर्सत में आप हज कर लीजिए। लेकिन अगर अल्लाह ने ताकत नहीं दिया है, आपके पास 5-6 लाख रुपये नहीं है, आपके पास 1-2 लाख रुपया उम्रा करने के लिए नहीं है, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसब्बबुल असबाब है, वो आपके लिए रास्ते निकालेगा। आप ये ना सोचो कि मैं गरीब हूँ, आप ये ना सोचो कि मैं 10,000-20,000 कमाने वाला इंसान हूँ, आप ये ना सोचो कि मैं रिक्शा चलाने वाला इंसान हूँ, मैं ऑटो चलाने वाला इंसान हूँ, आप ये ना सोचो कि मेरे पास तो घर ही नहीं है, मैं हज कैसे करूँगा। आप अपने हिसाब से अल्लाह से दुआएं मत क्या करो। मेरी नसीहत आप हमेशा याद रखना, अल्लाह से जब भी मांगो अपने औकात के हिसाब से नहीं, अपनी हैसियत से नहीं, बल्कि अल्लाह की शान के हिसाब से मांगो। अल्लाह की जो शान है उसके हिसाब से दुआएं मांगो। अल्लाह के लिए कौन सी बड़ी बात है कि वो आपको हज और उम्रा करा दे। अल्लाह तो सबब पैदा करने वाला, अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो झटके में एक इंसान हज भी कर लेता उम्रा भी कर लेता, पता भी नहीं होता है। हमारी जो खराबी है वो यही पर है कि हम अपने हिसाब से दुआएं करते हैं, यही तो हमारी हिलाकत तो बर्बादी है। हम अपने हिसाब से दुआएं ना करें, अल्लाह के शान के हिसाब से। तमाम खजानों की कुंजियां तो अल्लाह के पास है, ज़मीन व आसमान के खजानों की कुंजियां हमारे रब के पास है, तो क्यों ना हम अल्लाह के शान के हिसाब से दुआएं करते रहा करें। अगर आपकी दुआएं कबूल हो गई तो आप हज भी कर लेंगे और उम्रा भी कर लेंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप दुआएं करते रहे, तो आपको गम और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे आमाल बताने वाला हूँ कि आप अपने शहर के अंदर बैठ करके हज और उम्रे का सवाब कमा सकते हैं। हज के बराबर आपको सवाब मिलेगा, उम्रा करने के बराबर आपको सवाब मिलेगा, कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं उन तमाम अमलों में पहला अमल जो आज के खुतबे जुमा के अंदर मैं बताने वाला हूँ, कि अगर आप ये चाहते हैं कि बैठे बैठे अपने मुल्क में, अपने गांव में, अपने शहर में आपको हज और उम्रे का सवाब मिल जाए, तो आप हज और उम्रा करने के लिए पक्का और सच्चा इरादा रखिए, नियत रखिए। ये नहीं कि आप जो है बस ऊपर से बोले नहीं मुझे भी हज करना नहीं। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप दिल में ठान लीजिए कि मैं इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर भी ज़रूर हज करूँगा और उम्रा करूँगा। अगर आप मर गए फिर भी आपको इस नियत पर सवाब मिलेगा। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रसी अल्लाह तआला अन्हु रवायत से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि फमन हम अभी हसनतिन फलम यामल हा कतब अल्लाहु लहू इंदहु हसनतन कामिलतन। कोई इंसान है, किसी नेकी का इरादा किया, सोच लिया कि मैं हज करूँगा और उम्रा करूँगा, लेकिन फलम यामल हा अमल नहीं किया, मर गया, पैसे नहीं है, इरादा है, सच्चा इरादा है, पक्का पुख्ता नीयत है कि हज करने की उम्रा करने की, लेकिन पैसे नहीं है, अल्लाह ने ताकत नहीं दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी का इरादा है लेकिन अमल नहीं कर सका, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान के लिए एक मुकम्मल और कामिल नेकी लिख देता है। और अगर इंसान अपने इरादे के मुताबिक अपनी नेकियों को अंजाम दे देता है तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे इंसान के नेकियों का जो सवाब है वो 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा अल्लाह जितना चाहे उतना नेकियों का अजर और सवाब अता कर देता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हज और उम्रे का सवाब मिलता रहे तो अभी से आप नियत कर लीजिए, जुमा में बैठे बैठे आज ऐसे आप ये नियत कर लीजिए, पुख्ता इरादा कि मांगने से पहले पहले मैं एक ना एक दिन ज़रूर हज करूँगा और उम्रा करूँगा। और अगर इंसान नियत रखे ना तो अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर मदद करता है। सुन लीजिए मेरे दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हज और उम्रे का सवाब मिले तो आपको एक रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने शहर में, अपने गाँव में और आपकी अपनी मस्जिद से आप हज और उम्रे का सवाब कमा सकते हैं। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सवाब है। आजकल लोग रोना रोते हैं कि मौलाना हज बहुत महंगा हो गया, उमरा बहुत महंगा हो गया। मेरे दोस्तों ये बात सही है, इनकार नहीं है कि हज महंगा हो गया, उमरा महंगा हो गया है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जो हदीस है उस पर अमल करो। नमाजें सस्ती हैं, अल्लाह के घर में आने के लिए आपके लिए आपको एक रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए हदीस, अबू दाऊद की रवायत है, सही अबू दाऊद लील अल्बानी, हदीस नंबर 520 है। हज़रत अबू उमामा अलबाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस से कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन खरज मिन बैती मुततहिरन इला सलातिन मक्तूबतिन फअजरुहु कअजरिल हाजिल मुहरिमी, कि जो इंसान अपने घर से वजू बना करके अल्लाह के घर की तरफ निकला, मस्जिद की तरफ आया, सुनिए अल्लाह के घर की तरफ मस्जिद आइए, आप वजू बना करके घर से आइए, आप ज़रा सोचिए, अभी आप जो है जुमा की नमाज़ के लिए आए, जोहर की नमाज़ के लिए आते हैं, असर की नमाज़ के लिए आते हैं, मगरिब के लिए आते हैं, ईशा के लिए आते हैं, फजर के लिए आते हैं, क्या आपको पैसा लगता है? आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती है। लोग नमाज़ पढ़ना नहीं चाहते, हज करना चाहते, उम्रा करना चाहते, पहले नमाज है उसके बाद हज और उम्रा है। सुन लीजिए हदीस, जहाँ भी मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई इंसान अपने घर से वजू बना करके निकला और मस्जिद में आया, उसका इरादा सिर्फ यही है कि वो इंसान फ़र्ज नमाज को अदा करेगा, जोहर असर मगरिब ईशा फजर और जुमा की नमाज अदा करने के लिए आया, तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअजरुहु काजरिल हाजिल मुहरिमी, तो ऐसे इंसान को हज का एहराम बांधने वाले की तरह सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। ये गरीबों का हज है, गरीबों का हज है, ये आज के जुमा का जो टॉपिक है वो यही है, गरीबों का हज और उमरा। पैसे नहीं है, फिक्र मत करो, फर्ज नमाज तो पूरी करो, पांच नमाजें पढ़ो, आपको हज का सवाब मिलेगा। इसी हदीस के अंदर आगे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अगर कोई इंसान मस्जिद के अंदर नफिल नमाज के लिए आता है, नफिल नमाज पढ़ने के लिए आता है, और नफिल नमाज में ख़ास तौर से दूसरी हदीस के अंदर, इसके बाद वो आने वाली है, चाश्त की नमाज, कोई इंसान नफिल नमाज के लिए आता है, चाश्त की नमाज जो सुबह में यानी कि सूरज निकलने के बाद जो नमाज है वो नमाज, चाश की नमाज दो रिकात पढ़ने के लिए मस्जिद आता है घर से वजू बना करके, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इंसान को एक मुकम्मल उमराह के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर, लाख रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाश की नमाज पढ़िए, 7-8 बजे उसका वक्त होता है, और आप उमरे का सवाब कमा लीजिए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है, पूरा मुकम्मल सवाब मिलता है।
इस तरह की कई हदीस है, सहीहुल जामे अस्सगीर के अंदर भी इस तरह की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान फर्ज नमाज पढ़ने के लिए घर से बावजू होकर के मस्जिद में आता है तो हज के बराबर सवाब, और अगर नफिल नमाज पढ़ने के लिए आता है तो ऐसे इंसान को उमरा के बराबर सवाब मिलेगा। और एक रवायत है जो कि बिल्कुल ही सही रवायत है, उसके अंदर तो एक ही साथ एक ही वक्त में हज का भी सवाब है और उमरे का भी सवाब है। सुभान अल्लाह, अमल करने वाला चाहिए। जानते हैं क्या हदीस? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी इंसान ने सुबह की फज्र की फ़र्ज नमाज जमात के साथ अदा की, मेरे जुमलों को आप याद रख लीजिए, सुबह की फज्र की फ़र्ज नमाज जमात के साथ अदा किया और जमात के साथ अदा करने के बाद वो इंसान उसी जगह पर बैठा रहा जहाँ पर उस इंसान ने सुबह की फजर की फ़र्ज नमाज दो रिकात अदा की, हटना नहीं है वहाँ से हटना नहीं है, उसी जगह पर बैठा रहे और वो इंसान सूरज निकलने का इंतज़ार करे, जिक्र और अस्कार में मशगूल रहे, सोना नहीं है। ये नहीं कि आप फजर पढ़ करके उसी जगह पर सो जाए और बाताखानी करने लगे और फिर बोले कि मुझे ये सवाब मिलेगा, नहीं, सुनिए नहीं, जैसा हदीस में है वैसा अमल करना है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज फजर की नमाज बाद जमात अदा करने के बाद वो इंसान उसी जगह पर बैठा रहे और फिर सूरज निकलने तक वो इंसान जिक्र व अस्कार में मशगूल रहे, तस्बीह व तहलील करे, कुरान की तिलावत करे, दुआएं करे, और जब सूरज बुलंद हो जाए, सूरज निकलने का जो टाइम है उसके बाद समझ लीजिए कि 20-25 मिनट के बाद सूरज बहुत बुलंद हो जाता है, धूप बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, तब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वह इंसान उसी जगह पर चाश की दो रिकात नमाज अदा करके बाहर निकला तो ऐसे इंसान को एक मुकम्मल हज और एक मुकम्मल उमरा के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। हम रोना रोते हैं कि हज करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या हज और उमरा करने का सवाब पाने के लिए हमारे शहर के अंदर अल्लाह ने बंदोबस्त करके रखा है, कितना बड़ा एहसान और करम है, कितना बड़ा अल्लाह का फजल और करम है कि हम फजर की नमाज पढ़े, जमात के साथ पढ़े, चाश की नमाज पढ़े, हज और उमरा का सवाब लेकर के जाए। यहाँ तो हम फजर की नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, फर्ज नमाज ही नहीं पढ़ते तो नफिल नमाज कहाँ पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। बहुत ही मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं वो लोग जो फजर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठ करके चाश की नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकलते हैं। ऐसे हैं हमारे जमात के अंदर, ऐसे कुछ लोग हैं जो अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर ले कि अल्लाह हमको और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप बैठे रहेंगे तो मुकम्मल हज और उमरे का सवाब, आप फजर की नमाज पढ़ करके घर चले गए, घर से आ करके दो रिकात नमाज पढ़ेंगे यानी कि मस्जिद में, तब तो आपको सिर्फ उमरे का सवाब मिलेगा। ये भी क्या कम है, एक उमरे का सवाब, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। इंसान क़यामत के दिन हश्र के मैदान में एक एक नेकी को तरसेगा, एक एक नेकी को तरसेगा मेरे दोस्तों। इन अमाल को याद रखना और हमेशा अमल करना। मेरे दोस्तों मैं क्या बतलाऊँ, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज और उमरा का सवाब पाने के लिए कितना आसान अमल बतलाया है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो रवायत है ये भी बिल्कुल ही सही रवायत है, हज़रत अबू उमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही रावी हदीस से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान मस्जिद में अल्लाह के घर में आता है, ये सारे मामले जो है ना मस्जिद से जुड़ा हुआ है, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, कोई सवाब नहीं मिलेगा। सुन लीजिए क्या फरमाया हबीब कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, कि कोई इंसान है अल्लाह के घर में आया और उसका मकसद सिर्फ दो है, तीसरा मकसद नहीं है। पहला मकसद यह है कि वो अल्लाह के घर में आया है ताकि वो दीन की तालीम सीखेगा, कुरान की तालीम सीखेगा, कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में आया, मौलाना से दीन सीखने के लिए मस्जिद में आया, या फिर इसी हदीस के अंदर है, या फिर उसका मकसद यह है कि वो किसी इंसान को तालीम देगा, किसी को खैर और भलाई की बातें बतलाएगा। तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे इंसान को भी एक मुकम्मल हज करने के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर।
आप तालीम सीखने के लिए आएंगे। मैं कई मर्तबा कहता हूँ हमारे बड़े लोगों को कि आओ भाई कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए आओ, देखो कितना बड़ा सवाब है। हर चीज़ के लिए वक्त है हमारे पास, फिल्में देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, बाजार जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए और गपे हाँकने के लिए, दोस्त व अहबाब के साथ वक्त बर्बाद करने के लिए हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो कुरान सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कितना अफसोस का मकाम है और कैसी हमारी बदनसीबी है। आप कुरान सीखने के लिए मस्जिद में आएंगे, आपको हज के बराबर सवाब मिलेगा। मेरे दोस्तों, अगर आप मुकम्मल हज का सवाब पाना चाहते हैं तो अगर अल्लाह ने आपको थोड़ी बहुत ताकत दी है तो आप रमज़ान के महीने में ज़रूर उमरा कर लिया करें। रमज़ान के महीने में बुखारी की रवायत ऐसे थी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमरतुन फी रमज़ान तअदिलु हज्जतन, कि रमज़ान के महीने में उमरा करना ये मुकम्मल हज करने के बराबर सवाब रखता है। अल्लाहु अकबर। और रमज़ान के महीने में उमरा करना या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के भी बराबर है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे दोस्तों, इन सारी हदीसों को पढ़ने के बाद मेरे दिल में यही ख्याल आता है कि मैं आपको यही नसीहत करूं कि बच्चों के शादी ब्याह पर ज़्यादा पैसे ना खर्च किया करो, उमरा पर, हज पर ज़्यादा पैसे खर्च करो। बार बार उमरे करो। आप समाज और माशरे के अंदर रियाकारी करने के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए आप जो है पैसे खर्च करते हैं, कोई आपका नाम नहीं लेता है, खाता है भर पेट करके, पेट भर करके खाता है, शादी हाल से फंक्शन हाल से निकलता है गाली देता है, जबकि वो बहुत खाया भी है, गाली देगा क्या फ़ायदा हुआ। जाइए उमरा करने के लिए, रमज़ान के महीने में बार बार उमरा कीजिए, हज का सवाब कमाइए, अपने आका और अपने महबूब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब कमाइए। कितनी बड़ी फजीलत है। मेरे दोस्तों, बातें बहुत है, वक्त ख़त्म होने आ रहा है। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हज और उमरे का सवाब पाएँ तो एक काम कर लिया करो मेरे दोस्तों, हर फर्ज नमाज के बाद। बहुत अफसोस होता है, जब मैं ये हदीसें पढ़ रहा था आज, जब मैं तैयारी कर रहा था इस मौजू के तहत कि हज और उमरे का सवाब दिलाने वाले आमाल क्या है, तो जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो अपने जमात के कुछ लोगों का हाल देख करके बहुत अफसोस हुआ। कितने ऐसे लोग हैं, सलाम फेरती ही, जैसे ही सलाम फेरे पहली सफ में लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उसका भी ख्याल नहीं रखते और सीधा सलाम फेरते उठ करके भागना शुरू कर देते। पता नहीं कौन सी चीज़ बाहर रखी हुई रहती है। और ये नहीं कि वो इंसान चले गया है, मस्जिद के बाहर खड़े होकर के बातें करने में मसरूफ हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जैसे ही सलाम फेरा पहला काम मोबाइल जेब से निकालना, छेड़छाड़ करना, मोबाइल व्हाट्सएप में घुस जाते हैं। ये बीमारी हो गई है लोगों को। मेरे दोस्तों, ज़रा इस बात का पास और लिहाज रखो कि फर्ज नमाज पढ़ते हैं, ज़रा ये हदीस सुन करके जाओ, आप कितने बड़े सवाब से महरूम हो जा रहे हो, कितने बड़े सवाब से आप महरूम हो जा रहे हो। ज़रा ये हदीस सुनना, बुखारी की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि कुछ सहाबाए किराम, गरीब सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास अपना दर्द लेकर के आए। नेक आमाल के फिक्र देखिए, एक हम हैं और एक वो सहाबाए किराम थे, और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहुत फिक्र की बात है कि हमारे दरमियान में जो मालदार सहाबाए किराम हैं, रहब अहलुद दुसूर मिनल अमवाली बिद्दरजातिल उला वन नईमिल मुकीम, कि जो हमारे मालदार साथी हैं, मालदार सहाबाए किराम हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो लोग तो जन्नत में ऊंचा ऊंचा मकाम ले गए, सबसे आगे तो जन्नत में वही लोग रहेंगे, हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे, हम तो गरीब हैं। अब वो सहाबाए किराम कहते हैं कि ऐ मेरे आका, ज़रा देखिए जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं वो लोग भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन उन सहाबाए किराम ने कहा, लेकिन उनके पास कुछ माल है, अल्लाह ने उनको माल और दौलत से नवाज रखा है, अब वो लोग इन मालों से क्या करते हैं, यहुज्जूना बिहा, हज करते हैं। ज़रा गौर से सुनिए, अल्लाह ने उनको माल अता करके रखा है, अब वो लोग उन मालों से हज करते हैं, हम हज नहीं कर पाते। वयअतमिरूना, वो लोग उमरा करते हैं, हम उमरा नहीं कर पा रहे। वयुजाहिदूना,
वो सहाबा किराम जिहाद करते हैं, हम जिहाद नहीं कर पा रहे हैं। वह यतसद्दकूना, और वो मालदार जो हमारे साथी हैं, जो सहाबा किराम मालदार सहाबा किराम हैं, वो सदका और खैरात करते हैं और हम सदका और खैरात नहीं कर पा रहे, जिसका नतीजा ये है कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जन्नत में हमसे बहुत आगे रहेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या फिक्र है, क्या गम है नेकियों की, जन्नत में जाने की तलाश देख लीजिए। सहाबा किराम ने ये बात रखी, अल्लाह ने वही भेज दी। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबा, गम और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हें एक ऐसे अमाल के बारे में बतला देता हूँ। सुभान अल्लाह, ज़रा गौर से सुनना और अपने कानों को खोल करके रखना, नमाज के बाद इस अमल को हमेशा अंजाम देना। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, आओ मैं तुम्हें एक ऐसे अमल के बारे में बतलाता हूँ कि अगर तुम वो अमल करने लगोगे तो जो तुमसे पहले वाले लोग जन्नत में जगह बना चुके हैं ना, तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे। अल्लाह अकबर, तुम जन्नत में उनसे आगे बढ़ जाओगे और जो तुम्हारे बाद आएंगे वो लोग भी तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह अकबर। हाँ, मगर ये कि वो लोग अगर ऐसी अमल करने लगे, तुम्हारी तरह अगर अमल करने लगे, तो फिर जन्नत में तुम्हारे साथ भी रह सकते हैं, तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि और तुम अपने लोगों के दरमियान में बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे, तुम अपने लोगों के दरमियान में बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे अगर ये अमल करोगे। बहुत ही आसान अमल है, करने वाले नहीं है। क्या कहा जानते हैं? जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो अमल ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद तुम 33 मरतबा, 30 पर 3 मरतबा सुभान अल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो। हदीस ख़त्म। हम और आप अमल करते हैं, अल्लाहु अकबर, हमको और आपको तो भागने की फिक्र रहती है, सलाम फेरने की देरी रहती है। लोग तो क्या कहते हैं कि इमाम के सलाम फेरने की भी इंतज़ार नहीं करते, जुमा के बाद भी देख लीजिए। मेरे दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपको ये सारी बातें, आपको ये सारे अजर व सवाब कल क़यामत के दिन काम आएंगे। कितना बड़ा अजर व सवाब काम है और नेक अमल है, अमल करेंगे इंशाल्लाह। बोलिए सच्चे दिल से, हर फर्ज नमाज के बाद और मुश्किल से अगर इसको देखेंगे 30 पर 3 मरतबा गिनने में, मैं समझता हूँ कि 40-50 सेकंड लगेगा, एक मिनट से भी कम वक्त लगता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ज़रा गिन करके देख लीजिएगा, टाइमर रख करके आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अजर और सवाब हज के बराबर, उमरा के बराबर, जिहाद के बराबर, सदका के बराबर, बल्कि उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, गरीबों का जो हज और उमरा है उसमें से एक अमल वो ये है कि जो लोग हज करने गए हैं या फिर जो लोग हज करना चाहते हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद कर देना। जो लोग हज करने जा रहे हैं उनका सामान वगैरह तैयार कर देना, कुछ पैसा दे देना, 10,000-20,000 दे दिया कीजिए। या फिर जो लोग हज पर गए आपके रिश्तेदार, उनके बीवी बच्चों की खबरगिरी कीजिए, बाज़ार से उनका सामान ला करके दे दीजिए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। सुनिए हदीस, बिल्कुल ही सही रवायत है, सही तरगीब और तरहीब की रवायत है। अल्लामा अल-अल्बानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा। हज़रत सैयद बिन खालिद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान ने किसी मुजाहिद का सामान तैयार कर दिया, किसी मुजाहिद का सामान तैयार कर दिया, किसी हज करने वाले का सामान तैयार कर दिया, उसे पैसा दे दिया, उसे हज कराने का बंदोबस्त कर दिया, या फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके घर वालों की खबरगिरी की, हज कराने का पैसा दे दिया या फिर उसके हज पर जाने के बाद उसके घर वालों की खबरगिरी कर रहा है, सामान ला के दे रहा है, देख रेख कर रहा है, ज़रूरत पर पैसे दे रहा है। आगे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया या फिर किसी इंसान ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार करा दिया, ये सारी बातें इसी हदीस के अंदर है, या फिर किसी इंसान ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार करा दिया, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तमाम इंसान को उन्हीं के बराबर अजर और सवाब मिलेगा और किसी के अजर और सवाब में कमी नहीं की जाएगी। अगर कोई इंसान किसी हाजी के घर वालों की खबरगिरी करता है, उनका सामान तैयार कर दिया है, तो ऐसे इंसान को भी हज करने वाले के बराबर अजर और सवाब मिलेगा। अगर कोई इंसान किसी मुजाहिद का सामान तैयार कर देता है तो मुजाहिद के बराबर सवाब मिलेगा।
अगर कोई इंसान किसी रोजेदार को इफ्तार करा देता है तो रोज़ा रखने के बड़ा सवाब मिलेगा, कितना बड़ा अजर और सवाब काम है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, हज और उमरा का सवाब कमाने के लिए और एक बहुत ही आसान अमल है, हालांकि इस हदीस को कुछ मुहद्दिसीन ने सही कहा, कुछ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा। जिन मुहद्दिसीन ने सही कहा है उनमें से एक इमाम मुनसिरी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि इसकी सनद जयद है, और इमाम इराकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि इसकी सनद हसन है। जबकि मौजूदा दौर के मुहक्किक और बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि यह हदीस ज़ईफ है। लेकिन सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी रसूल आते हैं, एक सहाबी रसूल आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी अकरम मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, क्या करूँ, जिहाद करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सुनिए क्या कहा, क्या कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? बहुत ही खुशनसीब है वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा हैं, आप ये अमल कीजिए, और जिनके वालिदैन जिंदा नहीं है आप उनके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते रहा करें। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी वालिदा एक जिंदा है, बाप का इंतकाल हो चुका है। तब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, जाओ तुम अपनी माँ की ही खिदमत करो, इसलिए कि अगर तुम अपनी अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओगे, उनकी खिदमत करोगे, उनको खुश रखोगे, तो यही अमल तुम्हारे लिए हज और उमरा और जिहाद के बराबर सवाब रखता है। सुभान अल्लाह, यही एक बात सही है जो हसन दर्जे तक रवायत है, और एक हदीस है, लोग बहुत ज़्यादा उसको बयान करते हैं मिश्कात के हवाले से, कि जो इंसान माँ बाप की तरफ मुस्कुरा करके देखेगा उसको हज के बराबर सवाब मिलेगा। झूठी बात है, वो मौजू रवायत है, इस तरह की कोई हदीस नहीं है कि इंसान से मुस्कुरा करके देखे और जो है सवाब पा जाए, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मेरे दोस्तों, हज और उमरा कमाने का जो सवाब है एक मदीने से जुड़ा हुआ है, अगर आप कभी जाए उमरा करने तो याद रख लीजिए काम आएगा, वो है मस्जिद कुबा में, जो कुबा मस्जिद है वहाँ पर दो रकात नमाज पढ़ना। और इस बारे में दो तरह की हदीसें हैं और दोनों भी सही रवायत है। हज़रत उसैद बिन ज़हीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मस्जिद कुबा में दो रकात नमाज अदा किया तो ये अमल उसके लिए एक उमरा के बराबर सवाब है। और एक दूसरी हदीस है सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके रावी है इब्न माजा के अंदर, वो हदीस है आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान अपने घर से, यानी कि मदीना में जहाँ ठहरा है वहाँ पर, अपने घर से अगर वज़ू बना करके निकलता है और मस्जिद कुबा में अगर वो इंसान दो रकात नमाज अदा करता है, तो ऐसी सूरत में ये अमल उसके लिए एक मुकम्मल उमरा के बराबर सवाब रखता है। मेरे दोस्तों, गिन करके मैंने 10 आमाल आपको बतलाए, इन 10 आमाल को आप अमल कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हज और उमरा के बराबर सवाब देगा। और इस बात का आप जिक्र मत कीजिए कि हज महंगा हो गया, शादी महंगा हो गया, इस तरह की बहुत सारी बातें आजकल फैलाई जाती हैं, ये क्या है, शरीयत का मसाक उड़ाना है। और एक मैं देख रहा था कि किसी भाई ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप में कि किसी ने कहा कि भाई हज करने से अच्छा है कि अपनी बेटी की शादी कर देना, पहले बेटी की शादी करना, उसके बाद ये करना वो करना, पहले बेटी की शादी नहीं किया, हज करने चले गया, ये सारी बातें झूठी हैं। ये क्या है, अल्लाह के अहकाम को गिराना है, वो सारे मामलात एक तरफ, अल्लाह का अहकाम और अल्लाह के जो कवानीन है, अल्लाह के जो फ़राइज़ है वो एक तरफ है, वो सब अपनी जगह है। अगर हज फ़र्ज़ है तो पहले हज करना चाहिए। तो खैर, आखिर में वो हदीस मैं तमाम लोगों को एक बार फिर सुना देना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी इंसान को हज करने का इरादा है और उसके पास पैसे हैं तो वह इंसान फ़ौरन हज कर ले, क्या पता वह इंसान बीमार हो जाए या फिर उसकी कोई चीज़ गुम हो जाए या उसे कोई ज़रूरत पड़ जाए, लिहाजा ऐसा वक्त आने से पहले पहले आप हज कर लें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमको और आपको हज और उमरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।